बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा मुझे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं कि बिलाल भी बात हुए प्रोग्राम का, बताएं कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं, कुछ तो नहीं स्पेशल जो है स्टूडेंट्स को फाइनल यूनिवर्सिटी का पूछते हैं उनसे कि बिलाल भी फाइनल यूनिवर्सिटी बात हुए प्रोग्राम करवा रही है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जो है ना डिटेल शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि इट डजेंट मैटर कि ये जस्ट फाइनल यूनिवर्सिटी करवा रही है, इट्स ऑल मैटर मार्केटिंग की बात है भाई। फाइनल यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग कर रहे हैं, BAU की कर रहे हैं, CAU की कर रहे हैं, कौन अच्छी मार्केटिंग कर रहा है, ये सारा उस पर मैटर करता है। पाथवे कोर्स जो है, जब मैं नॉर्थ सेप्स में आज से 3-4 साल पहले आया था, तब भी ये CIU यूनिवर्सिटी में अवेलेबल था, अभी भी अवेलेबल है। मैं किसी यूनिवर्सिटी का मतलब स्पेशल उसको नहीं कहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये यूनिवर्सिटी ये है बुला बुला, ये जो है आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है। मेरा जो बात करने का, वीडियो बनाने का मकसद है वो जस्ट आप लोगों को के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है कि ये पाथवे प्रोग्राम है क्या सीन। CIU में भी अवेलेबल है, फाइनल यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल है, BAU बाचे शहर यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल है। अच्छा, पाथवे प्रोग्राम अब है क्या असल में? पाथवे प्रोग्राम जो है ना वो ये है कि 2 साल आप लोगों ने नॉर्थ साइप्रस में स्टडी करनी है, 2 साल आप लोगों ने करनी है UK में। UK में हो गया, अब UK में आप लोगों ने कैसे स्टडी करनी है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ कि पहले आप लोगों ने नॉर्थ साइप्रस में 2 साल जो है कंटिन्यूसली स्टडी करनी है, अपना CGPA मेंटेन रखना है, अच्छा रखना है। ये नहीं कि आप लोगों का 1.5 CGPA आ रहा है, 1.7 या 2.4 या 2.3 CGPA आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि भाई हम जो है UK जाके जो है ना स्टडी करेंगे। CGPA आपका 3+ होना चाहिए और उसके बाद आप लोगों का यहाँ से यूनिवर्सिटी वाले जो है वो अप्लाई करेंगे आपका UK में, एंड वहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ इनके हैं लिंक्स, वहाँ पे आप लोगों का वो अप्लाई करेंगे। अच्छा, अप्लाई आपका हो गया, अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने जितना भी आपका नेक्स्ट का जो प्रोसीजर है वो पाकिस्तान से ही होगा। तो ये जस्ट आप लोगों के साथ वीडियो बनाने का मकसद है, क्योंकि अक्सर मुझसे दोस्त पूछ रहे हैं कि बिलाल भाई पाथवे प्रोग्राम के बारे में बताएं कि भाई पाथवे का क्या सीन है। एक तो अंधेरा भी हो गया, शाम का भी टाइम हो गया, पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें माशाल्लाह मैं ना रिकॉर्डिंग करना भूल गया और तकरीबन 3-4 मिनट वीडियो बनाने के बाद मुझे याद आया कि यार मैंने तो माइक ही नहीं ऑन किया हुआ, फिर वो मैंने वीडियो डिलीट की, तब रोशनी थी और अब जो अंधेरा हो गया हुआ। अच्छा, तो ये पाथवे प्रोग्राम है, काफ़ी ज़्यादा इसकी मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों को ये अवेल नहीं करनी चाहिए, ऑफ़ कोर्स आप लोगों को अवेल करनी चाहिए, लेकिन ये एक तरह का वही सीन है कि आप लोग यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस में अगर बैचलर्स में आ गए हैं 1 साल या 2 साल यहाँ पे स्टडी करने के बाद, आप वैसे भी इटली लिथुआनिया मूव कर सकते हैं। इटली लिथुआनिया के काफ़ी ज़्यादा यहाँ से स्टूडेंट जो है वो जा रहे हैं, इटली का तो इस टाइम मसला बना हुआ है कि वो जो है अपॉइंटमेंट्स ही नहीं उनकी मिल रही। लिथुआनिया यहाँ की बेस्ट ऑप्शन है अगर आप यहाँ से शेंजन कंट्री में जाना चाह रहे हैं, यहाँ से आप लोग इजीली लिथुआनिया के जो है वीज़े लग रहे हैं। तो ये सारा पाथवे प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक और भी बता दूँ, मैं रिसेंटली अभी एक दोस्त जो है ना ये पाथवे प्रोग्राम के थ्रू ही वो यहाँ से यूनिवर्सिटी से 2 साल स्टडी करने के बाद यहाँ से यूनिवर्सिटी साइन आउट करके पाकिस्तान चला गया। अब पाकिस्तान जाके अगर उसका UK का वीज़ा लगता है, वेल एंड गुड, नहीं लगता उसे फिर वही डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके वापस नॉर्थ साइप्रस ही आना पड़ेगा। बाकी पाथवे प्रोग्राम में ये नहीं होता कि भाई आपने यूनिवर्सिटी ने आपको कह दिया पाथवे प्रोग्राम है तो आपका 100% वीज़ा वहाँ का लगेगा, ऐसा नहीं होता, ये आपके लक पे डिपेंड करता है। अक्सर दोस्तों के लग जाते हैं और अक्सर दोस्तों के नहीं लगते। बाकी मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर 2 साल के लिए आप प्लान करके आ रहे हो कि भाई हम नॉर्थ साइप्रस में स्टडी करेंगे, बाद में हम UK जाएंगे, तो ऐसे जस्ट पाथवे प्रोग्राम के नहीं, बाकी प्रोग्राम में भी आप जो है मूव कर सकते हो। ये डिपेंड करता है अगली यूनिवर्सिटी पे कि वो आप लोगों को एक्सेप्ट करती है कि नहीं। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट करके अपनी हॉनेस्ट रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिलाल भाई अपडेट से दुआ में रखिएगा, नेक्स्ट कोई और अच्छी सी वीडियो हुई या कोई और अच्छा सा टॉपिक भी आपको वीडियो चाहिए हुई मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।